सहारनपुर के देवबन थाना क्षेत्र अंतर्गत दारुलूम के चेयरमैन महमूद मदनी के भाई मसूद मदनी पर हरियाणा की एक महिला ने बलात्कार का इल्जाम लगाया था। महिला हरियाणा के जिंद की रहने वाली है और देवबन मसूद मदनी के पास अपना इलाज करवाने आई थी। महिला ने बताया कि शादी के 4 साल बाद भी बच्चा न होने के चलते संतान के लिए कई जगह मन्नतें मांगी और इलाज करवाया और अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड रुड़की के पिरान कलियर शरीफ स्थित दरगाह में पति के साथ मन्नत मांगने गई, जहां एक व्यक्ति ने देवबन में रहने वाले मसूद मदनी के बारे में बताया और उनका मोबाइल नंबर दिया, जिसमें मसूद मदनी से संपर्क में आने के बाद उनसे इलाज के नाम पर मिली, जहां इस महिला को बंधक बनाकर उसके साथ धोखे से बलात्कार किया गया। बलात्कार का मामला हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़े हुए होने के कारण पुलिस ने देर रात मसूद मदनी को गिरफ्तार कर 11 बजे न्यायालय में पेश कर महिला के बयान के आधार पर धारा 376 में जेल भेज दिया। ये रात को तकरीबन 12 के बीच में लाया गया, 12 के रात। कैसे मामला हुआ, क्या कौन कैदी को लेकर आए थे? देवबन पुलिस द्वारा लाया गया था और देर रात ये लाया गया था। 376 506 IPC में इनको यहाँ दाखिल किया गया। सर कौन थे, क्या नाम था उनका? नाम देखेंगे बताए।